अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल हैं? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ई पे पंजाब अपडेट आ चुकी है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और उसमें बहुत सारे आइकन और भी शामिल कर दिए गए हैं, तो आपको मैं इसके बारे में अपडेट दूंगा। प्ले स्टोर से इस आइकन को डाउनलोड कर लें और ये मैंने करके रखी है, इसको ओपन कर देते हैं और ये देखें एक नई थीम आपके सामने आ चुकी है, बहुत खूबसूरत है। और इसको जनाब जी आप सिंगिंग करते हैं, ये आपके पास अपडेट है माशाल्लाह। 13 जो आपके डिपार्टमेंट हैं वो आपसे ऑनलाइन हो चुके हैं। और इस सबसे पहले ई पे के पर आपको मालूमात दूं कि ई पे की यहाँ पर सेटिंग है, नीचे वाले बार में सेटिंग है और ये नीचे सबसे ऊपर थीम का कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी ये डार्क है इसको हम लाइट भी कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली आपकी सारी की सारी लाइट हो चुकी है। और इसमें फिर आपको सबसे पहले टोकन टैक्स था, ट्रांसफ़र ऑफ मोटर व्हीकल था, प्रॉपर्टी टैक्स है, ट्रैफिक चलान और ई चलान, सेफ सिटी और डोमिसाइल, सब प्रोफेशनल टैक्स, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, व्हीकल सेल, इसी तरह फर्द ज़मीनों के बारे में, पंजाब हाईवे पोर्टल, इसी तरह जनाब जी फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट और बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये सारे आप फ्रंट पर भी लेके आ सकते हैं अपने नोयत की, इसमें 13 हैं जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। और मज़ीद इसमें इंग्लिश उर्दू दोनों ऑप्शन आ चुकी हैं, उर्दू में करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी टैक्स, गाड़ी की मुंतकली, ये सारे आपके VSI और डोमिसाइल पंजाब, ये सारी उर्दू में भी आ सकती हैं जैसे भी आपको मुनासिब समझ आती है। तो इंग्लिश ज़बान में कर लेते हैं। और इसके बाद आपका जितने टोकन हुए हैं वो भी इसके अंदर हिस्ट्री में शामिल हो जाएंगे। और जो आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं ये सारे ऊपर से नीचे, एक साइड डिपार्टमेंट में ये काम होते हैं, इसी तरह बोर्ड ऑफ रिन्यू में ये 3-4 काम होते हैं, इसी तरह ये सेल टैक्स और पंजाब ID, इसी तरह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के स्कूल एजुकेशन के बारे में, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक चलान, ई सेफ सिटी चलान है, पंजाब हाईवे और ये डोमिसाइल, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, रूट परमिट, फिटनेस, LTC रूट परमिट। मतलब है कि इसमें सारी बहुत सारे महकमे आपके इसमें शामिल हैं। तो वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, इस यहीं तक लेके चलते हैं। और सबसे पहले अब आपको पीछे होम पर चले जाते हैं। एक टोकन टैक्स था, तो टोकन टैक्स उसी तरह आपने एक गाड़ी का नंबर लिखना है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं RIS स्पेस 08 फिर स्पेस 2176 इसको सर्च करते हैं, गाड़ी का अगर टोकन नहीं हुआ तो सामने आ जाएगा, जैसे अरसलान मसूद और मसूद अख्तर, सुजुकी रावी वाइट कलर में, 30/6/2020 तक टोकन इसके हुए हैं, उसके बाद टोकन इसके नहीं हुए। और ये आपका टोकन टैक्स ड्यू, ये चालान जनरेट करेंगे, चालान जनरेट हो जाएगा, ये चालान जनरेट हुआ इसको हम क्लिपबोर्ड में ले आते हैं और उसके टोकन अदा करने के लिए आपके ये 17-डिजिट कोड PSID है, ये आप बैंक के किसी भी ब्रांच से, ATM से और इजी पैसा जैसे से आप इसको भर सकते हैं। और वो आपको रसीद लेने का तरीका वही पिछली तरीके से है कि अपने जीमेल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और उसका तरीका भी आपको मैं बता ही दूं, यहाँ से जब टोकन ये पेड हो जाएगा तो बैग जाएंगे आप,
लो हिस्ट्री में जाएंगे, ये हिस्ट्री का आइकन है, हिस्ट्री किया तो ये टोकन आपका पे है नहीं है। अगर पे होता तो आप यहाँ पर पे के निशान पे जाते, और ड्यू है तो वो पीछे वाले निशान पर वापस जाएंगे, तो ये पे नहीं था तो वापस चले गए। तो ये आपका दूसरे वाला है, ये जो ड्यू था हमारा वो बाइक के ऊपर, ये तो ये हमारे पास पे नहीं है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया पे नाउ, ठीक है ना। वो ये इसको क्लिपबोर्ड हुआ हुआ है, इसको इजी पैसा, जैस कैश, ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम से आप टोकन डाल सकते हैं। जैसे डालेंगे तो जो आपके टोकन पेड हुए हुए हैं, मिसाल के तौर पर ये वाला तो ये पेड था, तो इसको हम इसकी रसीद लेते हैं, तो यहाँ पर ये गेट रेसिपी ये आ गई, तो ईमेल आपकी जीमेल के ऊपर ये चली जाएगी ऑटोमेटिकली। अब जीमेल पर देखते हैं तो वो आपकी जीमेल यहाँ पीछे चले जाएंगे, ये जीमेल आपके पास आ चुकी है। और ये आपने जो जीमेल आपने दी है उसी में ये आएगी, ये जीमेल है, तो इसको अपडेट कर देते हैं। तो गरीबन ये पहले टोकन हो चुका है, इसी वास्ते थोड़ा सा आ नहीं रहा, मगर ये वो आपका जो टोकन रसीद है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ चुकी है। इसको शेयर भी कर सकते हैं यहीं से किसी भी सॉफ्टवेयर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक के ऊपर, जहाँ पर प्रिंट भी निकलवा सकते हैं इसका। यही तरीका आपका, आसान तरीका टोकन के बारे में है।